अस्सलामुअलैकुम मोजेज़ व्यूअर, मैं हकीम मोहम्मद सरवर आप लोगों की खिदमत में हाज़िर है एक बहुत ही इंफॉर्मेटिव टॉपिक जो कि है अकरकरहा। ये कितनी किस्म का होता है, इसके फ़ायदे और इसके नुकसान क्या हैं, ये सारी बातें डिस्कस करेंगे इस वीडियो के अंदर। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप लोगों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो पहले सब्सक्राइब कर लें और बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लें ताकि मैं जब भी वीडियो अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो मोजेस व्यूअर, बात करते हैं अकरकरहा। अकरकरहा कितनी किस्म का होता है और ये क्या क्या काम करता है। मोजेस व्यूअर, अकरकरहा दो किस्म का होता है, एक मिलता है पाकिस्तानी और एक मिलता है अकरकरहा असली वाला जो कि इंडियन होता है। ये जो आप देख रहे हैं ये पाकिस्तानी है और दूसरा जो मैंने आपको पहले दिखाया ये वाला, ये इंडियन अकरकरहा है। अब बात करेंगे, एक पौधा बबूना हस्पानी की जड़ है। जड़ की सतह जरीदार और बुरी होती है, सख्त होती है, जायका ज़ुबान पर रखने पर बहुत ज़्यादा तेज़ और चुभने वाला होता है। इसका जौहर भी निकाला जाता है जिसे पारिथरेन कहते हैं। मिजाज के बारे में बात करेंगे, मिजाज हर वीडियो में आपको बताता हूँ कि मिजाज किसी भी शय का बहुत अहम होता है। मिजाज को देखते हुए ही उसकी मकदार खुराक तय की जाती है। मिजाज इसका गर्म खुश्क तीसरे दर्जे में होता है। मोजेस व्यूअर्स, अब बात करते हैं इसके फ़ायदे और नुकसान की। पहले इसके फ़ायदे डिस्कस करेंगे और फिर इसके नुकसान पर बात करेंगे। अकरकरहा जो है वो कुव्वत बा के लिए इस्तेमाल किया जाता है, इसका सफूफ बनाकर इस्तेमाल किया जाता है और बतौर तिल्ला बनाकर भी इस्तेमाल किया जाता है। दूसरे नंबर पर ये फालज के लिए और लकवा के लिए इस्तेमाल किया जाता है। मुख्तलिफ नुस्खा जात में इसको डालकर शामिल किया इस्तेमाल किया जाता है, सफूफ बनाकर या शहद के हमरा भी इस्तेमाल किया जा सकता है। मोजेस व्यूअर, दांतों के दर्द के लिए इस्तेमाल किया जाता है, पट्ठों की कुव्वत के लिए इस्तेमाल किया जाता है, सफूफ बनाकर खाया भी जाता है और तेल बनाकर तिल्ला बनाकर इसको मालिश भी की जाती है। खांसी और बलगम को कम करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, शहद के हमरा इसको इस्तेमाल करें। मर्दाना कमज़ोरी के लिए इस्तेमाल होता है, खसूसन जो है वो मर्दाना टाइमिंग बढ़ाने के लिए, अमसाक पैदा करने के लिए इसको इस्तेमाल किया जाता है। मोजेस व्यूअर, अब बात करते हैं इसके नुकसानात के बारे में। ये बहुत ज़्यादा अहम टॉपिक होता है नुकसानात का भी। फ़ायदे से पहले आप इसके जो चीज़ आप इस्तेमाल कर रहे हैं उसके नुकसान देखा करें कि नुकसान जो है वो कौन कौन से हैं। छह नुकसान इसके ये हैं, ज़रूरत से ज़्यादा इस्तेमाल करना मुंह में थूक की मकदार बहुत ज़्यादा पैदा करता है। ज़्यादा इस्तेमाल करेंगे तो मुंह में ये थूक की मकदार ज़्यादा पैदा करेगा। अकरकरे का इस्तेमाल, अकेला इस्तेमाल अकरकरे का लगातार करना मुंह का अल्सर का बायस बन सकता है, सीने की जलन और मैदे की जलन पैदा करता है, तजाबियत पैदा करता है। ये दूध पिलाने वाली औरतें इस्तेमाल ना करें, हमल वाली औरतें इस्तेमाल ना करें, हामला औरतें इस्तेमाल इसको ना करें, जो बच्चों को दूध पिलाने वाली माएँ हैं वो इसको इस्तेमाल ना करें, उनके लिए नुकसानदेह हो सकता है। मोजेस व्यूअर, एक से चार हफ्ते तक इसका इस्तेमाल बिल्कुल फ़ायदेमंद होता है। एक से चार हफ्ते यानी एक महीना बनता है इसका आप इस्तेमाल कर सकते हैं। एक से ज़्यादा करेंगे तो आपके लिए ये नुकसानदेह भी साबित हो सकता है। जैसे मैंने आपको बताया कि ये दांत दर्द के लिए इस्तेमाल किया जाता है। दांत दर्द, जहाँ पे दांत दर्द हो यहाँ पे उसको पाउडर बना के इसको लगा लें या वैसे उस वहाँ पर चबा लें तो इंशाल्लाह फौरी जो है वो रिलीफ मिलेगा। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दें। अल्लाह हाफ़िज़। नासिर।